ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली में 25 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा समेत प्रदेश के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर हो रहे इस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा होगी, साथ ही बूथ विस्तारक योजना को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। कौन है? 25 सितंबर को हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, इसमें सभी जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक और सांसद भी रहेंगे और जो हमारी कार्य समिति के सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के वो भी रहेंगे, अध्यक्ष जी और हम प्रदेश के महामंत्री भी उसमें जाएंगे। और उस दिन 25 को माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हमारी जो जन्म शताब्दी चल रही है इसका हमारा समापन है। उस दिन 4 बजे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और उस संबोधन को हम बूथ स्तर तक ले जा रहे हैं। अजय बूथ के माध्यम से पूरे राजस्थान में हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे, पूरे राजस्थान में हमारे हर बूथ पर ये हमारा कार्यक्रम होगा। वर्ल्ड CML डे के मौके पर जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजी सेंटर में ब्लड कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर उपेंद्र शर्मा ने CML के बारे में जानकारी दी। हेमेटोलॉजिस्ट ने बताया कि किसी को थकान रहती है, एनीमिया की शिकायत है, पसीना ज़्यादा आता है और पेट में फुलाव महसूस होता है तो ये खतरनाक संकेत है। बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस सोशल एक्टिविस्ट कोनिका सदानंद शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। सदानंद JLN मार्ग स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कैंसर का उपचार कर रहे बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कैंसर पीड़ित बच्चों को उपहार भी दिए। अमर जवान ज्योति पर शहीद मेजर दलपत सिंह हेफा हीरो की 99 वर्षगांठ पर चामुंडा सेना द्वारा श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। चामुंडा सेना हर साल हेफा हीरो को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस मौके पर 30 वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। जयपुर में शहीद मेजर दलपत सिंह शेखावत के शहीद दिवस पे इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसमें हम वार विडोज वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं, उसके अलावा पूर्व सैनिकों का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान करते हैं। एक छोटी सी पहल है चामुंडा सेना राजस्थान की उन लोगों को याद करने की जिनकी वजह से हम आज रात को चैन से सोते हैं और ये सब एक छोटा सा मौका, छोटा सा अवसर हमारी चामुंडा सेना के माध्यम से हम स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज विद्यार्थी और अन्य सामाजिक संगठनों को इसके माध्यम से आमंत्रण देते हैं कि उन सब लोगों को एक मौका मिले उन वीरांगनाओं का सम्मान करने। जयपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना वैशाली नगर इलाके की है जहां मरुधर कॉलोनी निवासी शंभुनाथ की नुकीली वस्तु से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। जयपुर नगर निगम साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में शहर के विकास और साफ सफाई के बजाय पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। सांसद रामचरण बोहरा और बीजेपी पार्षद का नाम भी कांग्रेस की ओर से सदन में उछाला गया, जब कांग्रेस पार्षद उम्र दराज ने सदन में बीजेपी पार्षद मुकेश लखियानी और सांसद का नाम लेकर भ्रष्टाचार की बात कही तो भाजपाई और कांग्रेस आपस में ही उलझ गए। 2-4-5 रोज पहले कोई शिप्रापत थाने के ऊपर एक FIR दर्ज हुई है जमीन के मामले को लेकर के, जिसमें एक पार्षद हैं और रामचरण बोरा जी MP जी। तो मैंने क्या गलत बात की थी? मैंने तो ये कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब ना खाएंगे ना खाने देंगे, बहुत अच्छी बात है, और दूसरी तरफ हमारे ही उस पार्टी के सांसद जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और पार्षद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। तो मुझे बताइए कि मैंने तो तथ्यों के आधार पर कोई बात रखी, FIR दर्ज है, वहाँ मौजूद है, सबूत सामने है, अब इनको इस बात की क्या नाराजगी है मेरे ये समझ से परे। जयपुर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ समेत अन्य शिक्षक संगठन ने 7 सूत्री मांग को लेकर आक्रोश रैली 24 सितंबर को निकालने की तैयारी की है। वित्त विभाग ने व्याख्याताओं के वेतन वृद्धि से रोक हटाने, सीधी भर्ती और पदोन्नति की मांग को लेकर
आंदोलन की तैयारी की है। तीन बड़े केडर बेस संगठन राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला व्याख्याता, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापक संघ रेष्टा, तीनों का सामूहिक रूप से जो वर्तमान में वेतन विसंगतियां चल रही हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो 28/7/17 को वित्त विभाग का एक आदेश आया था जिसमें 1700 से लेकर 4800 ग्रेड पे के जो कम वेतन वाले अधिकारी थे और उच्च वेतन वाले अधिकारी, सभी अधिकारियों का जो वेतन वृद्धि का रोकने का आदेश आया था, उस आदेश के खिलाफ में वरिष्ठ अध्यापक जिनका न्यूनतम वेतनमान 2013 से 16,290 होना चाहिए, उसके लिए प्रधानाचार्य का 7600 की ग्रेड पे मानते हुए सातवें वेतन आयोग के अंदर फिक्सेशन किया जाए। कि 28/7/17 को जो वित्त विभाग का आदेश था उसमें पिछले सरकार द्वारा जो वेतन वृद्धि की गई थी, ग्रेड पे वृद्धि की गई थी, उसमें वित्त विभाग के अधिकारियों ने जानबूझ करके कमी की है और आने वाले वेतन आयोग को संदर्भ देखते हुए वो ये चाहते हैं कि हम इसी मुलझे रहें और हमारी जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी न हों। साथ ही प्रधानाचार्य की जो ग्रेड पे 600 की सेंटर में है, हम पिछले 10 साल से ये मांग करते जा रहे हैं कि सेंटर पर हमें वेतनमान दिया जाए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे जो DODD है उनका वेतनमान भी सेंटर के प्रिंसिपल से भी कम है। राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर 3 दिन से चल रही JDE की कार्रवाई के विरोध में विभिन्न संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। गोपालपुरा पुलिया के पास सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के दौरान सड़क की सीमा में आ रहे निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने आज JDA के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। जयपुर स्थित डिग्गी पैलेस में 3 दिवसीय नाइट डॉट स्क्वायर जयपुर डिजाइन शो का आयोजन हुआ। इस डिजाइन शो में जयपुराइट्स को देश के पारंपरिक और आधुनिक कलाओं का बेजोड़ नमूना देखने को मिला। एग्जीबिशन में देश भर के डिजाइनर्स अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आए। बनी है 12 मिनट में, इसमें टोटल तो 12 कलर यूज हुए हैं, पर हम चाहें तो उसके 1200 शेड बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कलर के खेलने पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, हम आर्टिस्ट है, उस कलर्स में कलर यू मिक्स करके 2 से 3 कलर मिक्स करके शेड करके डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। ये रंगोली फ्री हैंड रंगोली है, जितनी भी आप रंगोली देखते हैं, संस्कार भारतीय रंगोली कोई शेप, उसके फिक्स शेप होते हैं, पर मैं एक डिफरेंट शेप बनाता हूँ, यूनिक शेप बनाता कि पब्लिक के आँखों में डिस्टर्ब हो, चुभेगा तो ही पब्लिक देखेगी। मैंने इंडिया फास्टेस्ट रंगोली आर्टिस्ट का लिम्का बुक रिकॉर्ड किया है, जितने भी टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं उसमें मैंने रंगोली बनाई है। और जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वेमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कोनिका सदानंद और प्लेबैक सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि अवार्ड सेरेमनी में 65 महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया जाएगा। कैटेगरीज तो बहुत सारे हैं, मतलब देर आर फ्रॉम टीचर्स से लेके अपने जो सोशल एम्पावरमेंट के हैं, फिर कुछ ब्यूटिशियंस हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और लेकिन कुछ कैटेगरीज हमने इस बार कम भी किए हैं, क्योंकि हमको लगा कि नहीं, बिकॉज वी हैव सो मेनी अदर जहाँ कैटेगरीज जहाँ पे हमको उनको मतलब सम्मानित करना था, कुछ कैटेगरीज हमको लास्ट 2 साल के हमने कम किए और कुछ हमने और स्ट्रॉन्गर कैटेगरीज को डाले हैं। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशंकर केदावत ने जानकारी दी कि सूरज मैदान आदर्श नगर में वैष्णो देवी का दरबार 23 से 25 सितंबर तक भक्तों के लिए सजाया जा रहा है। नवरात्र के साथ डांडिया महोत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर जयपुर के कई कॉलेजों में डांडिया महोत्सव को लेकर तैयारी चल रही है। इस दौरान कानोडिया कॉलेज में डांडिया महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने खूब धमाल मचाया।
अभी यहाँ पे हमारी भी परफॉर्मेंस हो गई, अभी टीचर्स की हुई थी और अभी यहाँ पे सब बहुत ही मजे कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग गुजराती लुक में आए हैं, सबने हाफ बन बना रखा है और सब काफी अच्छी ज्वेलरीज में आए। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया स्थित टायो कंपनी के कर्मचारियों का धरना जारी है। कर्मचारियों को विभिन्न संगठन के साथ बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही आदित्यपुर नगर निगम के अध्यक्ष राधा सांडिल ने भी कर्मचारियों के समर्थन का ऐलान किया है। आज दूसरा दिन आज इन लोगों का धरना का आए है और अभी तक प्रबंधन का कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का कोई भी मसला अभी तक हल नहीं हुआ है और ये लोग आज पूजा पाठ के समय में बाल बच्चा लेके आज सबको यहाँ पर ही पड़े हुए हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इन लोगों का मांग पूरा हो, अगर नहीं पूरा होगा तो महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष से हम लोग हार पार के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अब की जो भी होगा कुछ इसका रिजल्ट हम लोग करके ही रहेंगे, क्योंकि एक साल से इन लोगों को बहला फुसला के इसी तरह से बेकूफ बना बना के हरदम ये होगा वो होगा, लेकिन हो कुछ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।